रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 83 की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर सिंह क्रिकेटर कपिल देव का रोल निभाते नजर आएंगे। और हाल ही में रणवीर ने इस फिल्म से अपना फर्स्ट लुक भी शेयर किया था, जिसमें वो हूबहू कपिल पाजी की तरह ही नजर आ रहे थे। पोस्टर को देखकर आप पहली बार में रणवीर को पहचान ही नहीं पाते। उन्होंने कपिल देव को अपने अंदर इस तरह से ढाला है कि आप उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि क्रिकेटर कपिल देव के किरदार के लिए रणवीर ने ना सिर्फ क्रिकेट के गुण सीखे, बल्कि कपिल देव जैसी बॉडी लैंग्वेज सीखने को लेकर नया प्रयास भी शुरू कर दिया है। मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रणवीर सिंह फिल्म 83 में एथलीट बॉडी पाने के लिए एक खास डाइट फॉलो कर रहे हैं। दरअसल मिड्डे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फिल्म के लिए रणवीर सिंह इन दिनों हैवी प्रोटीन डाइट पर हैं, जिसके तहत वो क्रिस बेकन ऑमलेट, जल पैनो, फ्रेश बेरी जैसी डाइट्स ले रहे हैं। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट खाने से बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वहीं प्रोटीन फैट में मसल्स बढ़ते हैं और फैट खत्म होता है। चूंकि रणवीर को खाने में मीठा भी पसंद है, जिसके चलते डाइट में इसको भी रखा गया है, लेकिन मीठा भी हेल्दी है। उनके खाने में एवोकाडो मूस इस्तेमाल किया गया है और 90% डार्क चॉकलेट से एवोकाडो मूस को बनाया गया है। तो देखा आपने, इस हेल्दी डाइट को खाकर ही रणवीर सिंह बन जाएंगे कपिल देव। खैर बात अगर फिल्म 83 की करें तो डायरेक्टर कबीर खान ने इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह की रियल लाइफ वाइफ दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी और फिल्म में उनका किरदार कपिल देव की वाइफ रोमी देव का होगा। और ये फिल्म रिलीज हो रही है अगले साल 10 अप्रैल को। वेल तो रणवीर के फैंस, आप उनकी फिल्म 83 के लिए कितने एक्साइटेड है जरूर बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।